पार्ट वन में हम देख चुके हैं जियांग और उसके गुंडों ने किन को घेर लिया था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट टू से पहले पार्ट वन भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट टू में हम देखते हैं किन थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसके फ्यूचर वाले सपने में जियांग ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, बट जाने लगती है। जियांग उसे घेर लेता है और कहता है, कल तो बड़ा स्वैग झाड़ रही थी, अब क्या हुआ? किन उससे खुद को छुड़ा के जाने लगी थी, बट उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जियांग उसके मुंडे पकड़ के कहता है, तुम्हें उस प्रेसिडेंट को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा, वरना देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो उसके हाथ पे काट लेती है, तो जियांग उसके थपड़ा लगा डालता है और किन को धमकी देकर अपने गुंडों को उसे ले जाने का ऑर्डर दे देता है। तभी प्रेसिडेंट आकर जियांग को किक कर देता है और फिर बाकी गुंडों को भी। जियांग वाज लाइक, सॉरी भाई, बस इस बार माफ कर दे। प्रेसिडेंट उसे छोड़ के जाने लगा था, बट वो डंडा उठा के पीछे से उसे मारने लगता है। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए किन आगे आ जाती है, तो प्रेसिडेंट गुस्से से जियांग को ठोक देता है, बट किन के सिर से ब्लड निकलने लगा था, तो वो उसे उठाकर भागता है। पास्ट में हम देखते हैं किन घर छोड़ के जा रही थी, क्योंकि उसे लगा प्रेसिडेंट उसे लव नहीं करता और एक नंबर का प्लेबॉय है। प्रेसिडेंट उसे रोकता है, बट वो चली जाती है। जियांग प्रेसिडेंट के सिर पे डंडा मार के बेहोश कर देता है और किन को झूठ मूठ बोल के ले गया था। किन की जब आईज खुलते हैं, तो प्रेसिडेंट पूछता है, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा? बट वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। और वो दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, प्रॉमिस करोगी तुम अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी? वो हाँ करती है। इधर जियांग और यान दोनों मिलके प्लान बना रहे थे। हॉस्पिटल में साओ बैठा फोन चला रहा था और किन मेकअप कर रही थी, बट उससे अपने बाल कॉम नहीं करे जा रहे थे। तो जाओ कहता है, मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और उसका सिर कॉम करने लगता है। शी वाज लाइक, मेरा बेटा कितना क्यूट है। वो कहता है, मम्मी मैं आप पे तो गया हूँ, मेरी क्यूट क्यूट मम्मी। दोनों माँ बेटे का प्यार देख प्रेसिडेंट हंसता है। जाओ भाग जाता है। प्रेसिडेंट वाज लाइक, तुम जाओ पे तो बड़ा प्यार छाड़ रही थी, तो मेरा क्या? वो कहती है, हाँ तुम भी तो क्यूट हो। नर्स किन को रेस्ट करने को कहती है, बट किन प्रेसिडेंट को लेके भाग जाती है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगती है और कहती है, अब तो तसल्ली हो गई? ही वाज लाइक, नहीं। और फिर उसे और किस करने लगता है। किन हंसती है, क्योंकि उसके लिप्स पे किन की लिपस्टिक लग गई थी, तो वो उसके लिप्स को साफ करती है। बट प्रेसिडेंट तो अब भी सेटिस्फाई नहीं था और वो उसे और किस करने लगता है। नेक्स्ट डे किन प्लांट्स को पानी दे रही थी, तो उससे यान के ऊपर भी पाइप चल जाती है। यान चिल्ला पड़ती है, किन वाज लाइक, अब तू यहाँ क्या करने आई है? यान कहती है, तुझे क्या लगता है, जाओ ने तुझे माफ कर दिया? याद है तेरी वजह से उसके चोट लगी थी। इनफैक्ट जब कुछ गुंडे किन को पकड़ने आए थे, तो जाओ ने अपनी मॉम को पकड़ रखा था और उस थका मुक्के से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। बट किन यान पे पानी डाल के भगा देती है और फिर जाओ से जाकर कहती है, सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए। जाओ वाज लाइक, मम्मी मैं तो वो कब का भूल गया, आई लव यू मम्मी, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यान आकर कहती है, ये झूठ बोल रही है, ये उस जियांग को लाइक करती है। बट प्रेसिडेंट वाज लाइक, गेट आउट। तो यान गुस्से से भाग जाती है। मॉम उसे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने को बोल रही थी, बट किन डाइवोर्स पेपर फाड़ देती है। तो मॉम गुस्सा करती है, पर किन प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ कहती है, मैं प्रेसिडेंट को बहुत लव करती हूँ और उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। बट मॉम उसे अभी के अभी घर से निकलने का ऑर्डर दे देती है। जाओ कर कहता है, ग्रैंडमा प्लीज मेरी मॉम को माफ कर दो, वो बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट भी किन की साइड ले रहा था, तो मॉम अपनी बीमारी का नाटक स्टार्ट कर देती है। वो मॉम के पास जाता है, बट यान किन को धक्का मार देती है और उसे घर से बाहर निकलने को बोल रही थी। देन जाओ वाज लाइक, तुम कौन होती हो मेरी मॉम को बाहर निकालने वाली, सबसे पहले तुम ही गेट आउट। तो प्रेसिडेंट के कहने पे यान फूल के चली जाती है। किन घुटने के बल बैठ गई थी ताकि मॉम उसे माफ करके एक चांस दे दे। तो प्रेसिडेंट और जाओ भी किन के साथ घुटने टेक के मॉम से चांस मांगते हैं। जाओ वाज लाइक, मुझे मेरी मॉमी चाहिए। इतना सब के बाद मॉम भी चांस देने के लिए मान जाती हैं, बट इस शर्त पे कि अगर किन ने थोड़ी सी भी गलती की तो उसकी खैर नहीं। वो खुश होते हैं। प्रेसिडेंट किन के बैंडेज लगाता है, तो वो उसे किस देती है।
प्रेसिडेंट वाज लाइक, इतने से बात नहीं बनेगी। तो वो उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाती है और कहती है, थैंक यू हर बार मेरा साथ देने के लिए। प्रेसिडेंट उसे किस करने लगा था, किन फैल जाती है क्योंकि उसे और चाहिए था, तो वो उसे बेड पे गिरा लेता है। बट तभी जाओ की मम्मी मम्मी की आवाज आती है तो वो चली जाती है और प्रेसिडेंट को पार्टी के लिए फोन आता है। पार्टी में जियांग विक वेटर को प्रेसिडेंट के ड्रिंक में कुछ मिलाने को कह देता है। यान आकर उससे पूछती है, प्लान सही चल रहा है? वो कहता है, हाँ मैं जाके उस किन का ध्यान भटकाता हूँ, तुम प्रेसिडेंट पे चांस मार लेना। तो यान प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। किन को देख एक आदमी उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, बट शी वाज लाइक, सॉरी मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता है, वो तो मैं भी हूँ, आजा डांस पे चांस मार ले। जियांग आकर उसके कान में कुछ कहता है तो वो आदमी चला जाता है। देन जियांग वाज लाइक, आ जाना मेरी बाहों में। शी वाज लाइक, भाग यहां से। वो हट नहीं रहा था तो वो उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक के मारती है। जियांग कहता है, तेरा हबी तो दूसरी गर्ल्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किन वाज लाइक, बकवास बंद कर। पर तभी देखती है यान प्रेसिडेंट पे डोरे डाल रही है तो भाग के जा यान की मुंडी पकड़ के प्रेसिडेंट से दूर कर देती है। इनफैक्ट उन्होंने प्रेसिडेंट के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तो किन कहती है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम मेरे हबी के आसपास भी मत भटकना। मैंने सही कहा ना हबी? ही वाज लाइक, मेरी वाइफ तो हमेशा सही होती है। तो किन उसे किस करने लगती है। यान कहती है, बेशर्म कहीं की, सबके सामने क्या क्या कर रही है। किन वाज लाइक, शर्म काहे की, मैं अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ, तेरी तरह किसी और पे डोरी नहीं डाल रही। यान चिल्लाने लगी थी। प्रेसिडेंट कहता है, मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। किन कहती है, वाओ मेरा हबी कितना कूल और हैंडसम है, आई लव यू, और उसे किस करने लगती है। घर आते टाइम वो दोनों किस करते करते रुक ही नहीं रहे थे। प्रेसिडेंट तो उसे बेड पे गिरा लेता है। मॉर्निंग में किन अपनी लव बाइट देख कहती है, देखो तुमने ये क्या कर दिया। प्रेसिडेंट वाज लाइक, लो तुम बनाना खाओ और बदले में मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूँ, और उसके आईब्रो बना के पूछता है, कैसा लगा। शी वाज लाइक, बिंदास। और आधा बनाना खाती है तो प्रेसिडेंट भी बचा हुआ बनाना खाने लगता है। उन्हें देख जाओ वाज लाइक, मॉमी डैडी क्या आप दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तो किन उसे हटा के जाओ के पास ली जाती है। किन कंपनी चाह रही थी बट शियांग फिर से उसे परेशान करने आ जाता है और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने लगा था। वो कहती है, तुम पगला गए हो क्या, छोड़ो मुझे, और हेल्प के लिए आवाज मारती है। प्रेसिडेंट को देख यान भाग कर कहती है, मेरे साथ घर चलो, बट वो उसे इग्नोर करके जाने लगा था पर वो तो उसके पीछे पड़ गई थी। तो प्रेसिडेंट उसे वार्निंग दे के चला जाता है और वो जियांग को किन को किडनैप करते देख लेता है। तो जियांग को जाके धो डालता है और मार मार के उसका कचूमर निकाल रहा था। किन आके उसे रोक लेती है। देन जियांग वाज लाइक, देखा ये मुझे कितना लाइक करती है, तभी तो मुझे तुझसे बचा रही है। बट किन प्रेसिडेंट को दूर कर खुद ही जियांग को मारने लगती है और धमकी के साथ साथ थपड़ा भी लगा डालती है। वो तो उसे जान से मार डालती बट प्रेसिडेंट उसे रोके जियांग की जान बचा लेता है। जियांग वाज लाइक, विलन ये है ये मैं, और फिर वो दोनों साथ में जाने लगे थे। जियांग पीछे से मारता है बट वो उसके मार के चला जाता है। टल्ली जियांग गुस्से में था, ऊपर से यान भी उसी को पोपट बोल रही थी तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पर यान भी उस पर ड्रिंक फेंक के मारती है। यानी जियांग का तो सच में पोपट हो गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। किन सैड थी तो प्रेसिडेंट उसे हक करके कम्फर्ट करता है। बट शी वाज लाइक, हबी मुझे किस चाहिए, तो वो उसे किस करता है। मॉर्निंग में यान झूठ मूठ बोल के किन को मॉम को किन के खिलाफ भड़का रही थी कि उसका जियांग के साथ चक्कर चल रहा है। तो किन वाज लाइक, झूठ बोलेगी तो मैं पकड़ के थपड़ा लगा दूंगी ना, और उसे मारने वाली थी बट वो मॉम के पीछे छुप जाती है। मॉम भी यान को बचाने के लिए किन के थपड़ा लगा डालती है। तभी जाओ नींद में चलकर आता है और कहता है, मम्मी क्या हो गया। वो कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुम उठ गए। यान मॉम के कान में कहती है, इसने उस छोटू को भी अपना बना रखा है, तभी तो इसकी साइड लेता है। मॉम कहती है, तू अभी की अभी अपने बेटे को लेके यहाँ से निकल जा। तो वो दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाने लगते हैं। तभी रिपोर्टर्स उन्हें घेर के पूछते हैं, तुम फैमिली के प्रिंस को कहाँ लेके जा रही हो और तुम्हारा प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है। बट किन जाओ को गोद में उठा के भाग लेती है। जाओ को मैंगो जूस पीना था तो वो उसे कैफे पे ले आती है। इधर प्रेसिडेंट घर आके पूछता है, मॉम किन और जाओ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मॉम कहती है, वो जाओ को लेके भाग गई। वो कहता है, आपने उसे घर से जाने के लिए कहा होगा ना, और मॉम के मना करने के बाद भी उन दोनों को वापस लेने के लिए चला जाता है।
इधर ये दोनों माँ बेटे मस्ती कर रहे थे, बट रिपोर्टर्स फिर से उन्हें घेर लेते हैं। इनफैक्ट यान ने ही रिपोर्टर्स को भेजा था। जियांग कहता है, अब तो सिर्फ मैं ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, चलो मेरे साथ। बट किन और जाओ से मना करते हैं, पर वो उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा था तो जाओ उसके हाथ पे काट कर कहता है, मैं अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा। गुस्से में वो उसे मारने वाला था तो किन आगे आ जाती है और जाओ को उठा के भाग लेती है। जियांग और यान रिपोर्टर्स को लेके वहीं पहुंच जाते हैं। उन सब ने उन्हें घेर लिया था। यान तो भीड़ में से किन को धक्का भी मार देती है, जिससे किन गिर जाती है और उसके हाथ पे चोट लग गई थी। तभी प्रेसिडेंट आकर किन को उठाता है और कहता है, इतना सब हो गया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शी वॉज लाइक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मैंने सोचा मैं खुद ही हैंडल कर लूं। प्रेसिडेंट रिपोर्टर्स को बताने लगा था, बट कोई जाओ को किडनैप कर लेता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि जाओ गायब और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।